हूँ इतने जनाब कबर च ये आंदे के मन जा कबर च तो मुड़ फरिश्ते एक शकल ही वेखन से बंदे दिया चीकां निकल दिया हैं नवाबियां ते चुदराटां ते जनाब बदमाशियां ते सीना चौड़ा ते खप खप ते रोले ते रप्पे ये तो सारा कुछ इतने ही है ना। जिसे लोग तीन बंद बनींदे हैं एक जनाब अंगूठे सीधे करके जिस चौड़ा टुरदा एक पैर ऐदे ते कहते कि जनाब इन को रस्से बन के भी रोकने वाला नहीं। हुण दोवें अंगूठे मालका ने आदि औलाद ने दोवें अंगूठे हुण लत ही करते ही टुरना हुण लत्तां नूं जरा इंज सट ते इंज सट जिहड़ा दे कौन है मेरे अगू बोलण वाला। हुण जनाब लत्तां मालका बनियां ने आधे पुत्रां बननियां जिहड़ियां जनाब ई टंग जांदी है ते ई जांदी है ते जनाब बटन खुले होए विचों सोने दियां जंजीरां ते एक जंजीरी एदे ते एक सोने दी एदे ते विच दा पंज लॉकट और जनाब जा रही है इहनूं कोई रोकण टोकण वाला नहीं। हुण बोलना हुण इहदू एक रस्सी बननी पई है एक लक नूं बननी पई है ते दूसरी जनाब सिर नूं बननी पई है और हुण हुण दस हुण किधे गिया और रोब ते किधे गिया सारा कुछ हुण मालक मिट्टी सुट के आ गए। वो बाबे ने सोहनी गल की हुण ते मनदे हैं पहले मैं बाजारां जाके आंदा मन जाओ सोहणे रब नूं मना लो चंगे रह जा सोगा हुण ये मनांदे हैं तो हुण मरण तों बाद तो सारा कुछ वेख लिया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने कुरान में कहा ये इलम जब हमारे सामने हमारे बच्चों के सामने जाहिर होगा अल्लाह अपनी रहमतों मेहरबानियों इनायतों का जिक्र करके अल्लाह ने साथ ही कह दिया मालिक यौमिद्दीन के फिर कयामत का तो खालिस मैं मालिक हूं। उस दिन ना तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाबियां होंगी ना रिश्वत देने के लिए पैसा होगा ना जनाब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ने वाले नौकर चाकर होंगे। उस वक्त शाहों गदाओं फकीरों वजीरों मुशीरों शहंशाहों की भी पग उतरी होगी और उस वक्त का मालिक खुद रब सबको मार के जब हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे और उस आवाज पर सारी मखलूक मर जाएगी उस वक्त कायनात आलम पर फरिश्ता कोई इंसान कोई जीरूह जमीन पर मौजूद नहीं होगा। तो फिर खुद अल्लाह कहेगा कौन है आज के दिन का मालिक अल्लाह खुद कहेगा और फिर अल्लाह खुद ही जवाब दे अनल्लाह मैं अल्लाह हूं मैं ही अल्लाह हूं मालिक यौमिद्दीन अल्लाह ही कयामत के दिन का मालिक है। ये इल्म के शगुफे जब फूटेंगे और हमारी नस्लें जब उसको पढ़ेंगी नूर फैलेगा। इल्म नूर है जो अंधेरों को दूर करता है रोशनियां पैदा करता है। इल्म पर खर्च किया हुआ सरमाया सदकाए जारिया है। हजूर फखरे आलम जाने मौजूदात अलैहिस्सलाम ने कहा किसी वालिद का बेहतरीन सदका और बेहतरीन खर्च वो है जो अपनी औलाद के इल्म और उनकी तरबियत पर किया गया है। उसकी उसकी इल्म हासिल करने और तरबियत करने पर जो पैसा लगा वो हुजूर ने कहा बेहतरीन सरमाया और बेहतरीन सदका है। उनसिया ने साडे पुत्र को जनाब को 4 लाख का मोबाइल होना चाहिए को 2.5 लाख की घड़ी होनी चाहिए है तो ब्रांड की जुत्ती होनी चाहिए तो आंदा भावे कख ना हो। इल्म के मैदान में उम्मत पीछे रह गई है। हम इल्म में इतने कोरे हो गए इजादात में अब हमारा नाम नहीं बड़े बड़ी कंपनियां बनाने में हमारा नाम नहीं है। इल्म के मैदान से हम पीछे हटते जा रहे हैं। आप गूगल को सर्च करें तो फिल्में देखने में हमारी लिस्ट पहले नंबर पे आती है कि ऐ कौम फिल्मा बढ़िया वेख दी है ड्रामे बड़े वेख दी है और ऐस अगर किसी इल्म के शोबे में रिसर्च करो तो वहां हमारा दर्जा बहुत नीचे है। अच्छी यूनिवर्सिटियां वो हमारे मुल्क में नहीं है क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी कभी इल्म नहीं सीखा और ना ही उन्होंने कौम को कहा कि ये कुछ बातें सीख जाएं। तो इल्म जो होता है
वो रहबरी करता है, रहनुमाई करता है, इल्म बंदे की फिक्रों को पाक करता है, इल्म बुलंदी देता है। इल्म इंसान का वो सरमाया है जो कभी भी चोरी नहीं होता। और इल्म में महारत रखने वाला इंसान अगर पहाड़ की गार में भी बैठ जाए तो अल्लाह मखलूक को उन तक पहुंचा देता है। ओ इल्म वाला हो, उसके सीने में इल्म और हिकमत जारी हो। आपको पता है हमारे नबी को हजरत इब्राहिम ने कब मांगा था? जब काबा बनाया था। जब काबा बनाया था तो हमारे नबी को मांगा था। जब नबी को मांगा था तो साथ में अल्लाह से कहा था, सोने रब नबी ओ भेजना जेड़ा इन्होंने इलम सिखावे। हजूर पाक ने खुद कहा, नबी पाक ने कहा, मैं मुअल्लिमे कायनात बनकर जमीन पर आया हूं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वलियों को भी मानने वाले हैं, वलियों को मानते हैं ना सारे आलम। और मशहूर मारूफ वली हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने यारी याद रखी तो इलम याद नहीं रखा है। यारी सानू सारा नु याद है, पीरा मुरीदा ते फकीरा अमीरा नु, ते इलम दी गल याद नहीं भी उन्हें इलम दे बारे गौस पाक ने की आखा से। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था कि मैं इलम पढ़ाता रहा यहां तक के रब ने मकामे कुतुब अता फरमा दिया। ये आपका फरमान है कि मैं इलम पढ़ाता रहा। और इलम ऐसे नहीं पढ़ा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने, यतीमी की हालत में मां ने भेजा, जा पुत्र इलम पढ़। जब 16-17 साल उम्र हो गई तो फिर वो वाकया भी बड़ा मशहूर है, बचपन में हमने पढ़ा कि कमीज के अंदर माँ ने कुछ दिनार सी के दे दिए, जा वहां जरूरत पड़ेगी तो कोई चीज ले लेना। तो रास्ते में डाकू पड़े और अब्दुल कादिर जिलानी को कहते हैं, तुम्हारे पास कोई चीज है? तलाशी ली, कुछ भी नहीं मिली। कहा कि तुम सवाल किया है तो सुन लो, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में पैसे सिए हैं। वो डाकू डाकुओं के सरदार के पास आया तो कहने लगा कि क्या मामला है कि जब हमने तलाशी ली है नहीं मिले तो तू चला जाता? कहते मैं अपनी मां के साथ किया हुआ वादा तो नहीं भूल सकता ना। मेरी मां क्या सी कि अब्दुल कादिर मौत आंदी है तो आवे, झूठ ना बोली। उन्हें इधु दादा प्लेटा यारी दियां खादी जाने, दो दो झूठ बोली जा रहे हैं। ए जे गौस पाक नु मनन वाली कौम है, झूठ दबा के मारना है तो जबरदस्त तरीके नाल मारना है भी अगले बंदे नु लगे कि इन्दे तो वड्डा सच्चा कोई नहीं। और ये अब्दुल कादिर जिलानी जेड़े औखे वेले सफर च भी डाकुआ नु झूठ नहीं बोल रहे। आखिरकार वो सरदार अपने पूरे काफले समेत अब्दुल कादिर जिलानी की तरबियत पर उन लोगों ने तौबा की, कहा कि तुम मां के वादे को नहीं भूले और हम रब के वादे को भूल गए हैं, हम तौबा करते हैं और राय हक पर आते हैं। तो मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने फिर इलम पढ़ा, फिर इलम इतना पढ़ा, इतना इलम पढ़ा, इतना इलम पढ़ा कि फिर बगदाद में, ये फारसी थे और बगदाद के लोग अरबी थे, अरबी उन नस्ल थे, ये फारसी बोलने वाला बंदा अरबी उन नस्ल वहां दरस में पढ़ा। पढ़ने के बाद किसी ने कहा भी उन आलम बन गए जे मिंबर ते बह के तकरीर करो, तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे भी किवें तकरीर करा, मैं फारसी हाँ, ये लोग अरबी हैं। और फिर ख्वाब विच हजूर पाक की जियारत हुई, क्योंकि सैयद भी थे, हजूर की आल भी थे, तो नबी पाक ने कहा बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता? कहा हजूर जबान फारसी है, लुकनत आ जाती है, अड़ जाती है। नबी पाक ने अपना लुआब निकाला, अब्दुल कादिर में मुंह में डाला और कहा जा बगदाद के मिंबर पे बैठ जा, अब तेरी जबान से अरबी वो निकलेगी कि अहले अरब भी उसके ऊपर रशक खाएंगे।